भारत में जितने भी समाचार पत्र हैं और टीवी चैनल हैं जो अपनी कार्यप्रणाली को संचालित किए हुए हैं, उनमें ना तो सच दिखाने, ना ही सच सुनने और ना ही सच कहने का साहस है। वो एक पक्षीय विचारधारा को ही प्रसारित कर रहे हैं। क्या देश के किसी भी समाचार पत्र और टीवी चैनल समूह को इस बात का संज्ञान है कि भारत के प्रधानमंत्री भारत में तो भारतीय बैंकों का बट्टा लगा गए, उन्हें दिवालिया बना गए, और चाइना की एक विशेष बैंक को जो कि वो ठप्प थी और साथ ही साथ दिवालिया हो चुकी थी, बंद पड़ी चाइना की एक बैंक को उन्होंने मल्टीलेटरल बैंक बनाने का सपना बुना और वो चाइना प्रेम के झांसे में आ गए। जिस तरीके से आज मीडिया प्रधानमंत्री के गुणगान गा रहा है, उससे ऐसा लगता है कि वो एक पक्षी सुनने की साहस रखता है, उसके दूसरे पहलू दूसरा पक्ष सुनने का साहस नहीं है। ना तो वह सच कहता है और ना ही सच सुनने का और दिखाने का साहस है उसमें। आज जिस बैंक के लिए, ठप पड़ी बैंक के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने देश की करीब 8.7 बिलियन US डॉलर की राशि चाइना की बैंक में जमा करवा दी और उससे ऐसा लगता है कि वह राशि डूब गई है। क्या ये राशि नोटबंदी के समय जमा की गई थी? दो प्रश्न खड़े होते हैं। क्या यह बैंक की जो अंश पूंजी खरीदी गई है वह ऊपर ऊपर तो नहीं है, या भारत की जो केग है वो अभी तक इसका खुलासा नहीं कर पाया, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी इस 8.7 बिलियन US डॉलर की जो अंश पूंजी चाइना की एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक में जो जमा की गई है उसका पुष्टि की गई है, उसका भी उसने हवाला नहीं दिया है। अब देखिए कैसे झांसे में आए थे हमारे भारतीय प्रधानमंत्री। जैसे ही चाइना की इस रीजनल बैंक एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक में अंश पूंजी खरीद ली गई, उसके ठीक 2 महीने बाद भारत से चाइना के रिश्ते बदलते गए। भारत ने पाकिस्तान को सार्क से किया बाहर, जिस तरीके से भारत ने सार्क संगठन को तोड़ा और पाकिस्तान को उस सार्क संगठन से बाहर किया, उसका खामियाजा भारत को आज भुगतना पड़ रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चाइना ने पाकिस्तान को साथ लेकर पाक अधिकृत कश्मीर की सीमा के अंदर से ही, भारत की सीमा के अंदर से ही सीपेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को निकाल डाला और पाकिस्तान को इस प्रोजेक्ट में संयुक्त पार्टनर बनाकर सहभागी दर्शाकर अंदर ले लिया। यहां पर दो चीजें देखने में आ रही है, एक पूंजी निवेश तो भारत ने किया और प्रोजेक्ट बना डाली चाइना और पाकिस्तान ने। आज किसी भी मीडिया समूह में ये बात कहने का साहस ही नहीं है। हमारे जो भी नेशनल एडवाइजर थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जिन पे बहुत गुमान है, भारत का जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है जिस पर संपूर्ण भारत को गर्व होना चाहिए, क्या उसने ऐसी एडवाइजरी दी थी? उसकी एडवाइजरी देने की जो प्रक्रिया थी वो राष्ट्रद्रोही तो नहीं है? और जब इस बात का खुलासा हो रहा है कि भारतीय प्रधानमंत्री ने ही पूंजी निवेश कर भारत के अंदर खुद की प्रोजेक्ट न बनाते हुए, खुद की बैंकों को रक्त न देते हुए, रक्त अर्थात सहायता न देकर विदेशी चाइना की बैंक में पूंजी विनिवेश कर दिया और उस बैंक को फलीभूत कर दिया, पोषित कर दिया,
जिससे आज राष्ट्रद्रोही गतिविधियां उसकी सीमा के अंदर ही संचालित हो रही है। ये धोखाधड़ी, ऐसी धोखाधड़ी, ऐसी नादानी भारत के किसी भी मीडिया समूह को दिखाने का साहस से प्रतिबंधित कर रही है। ऐसा क्यों? यहां पर तीन चीजें हैं। पैसा भारत का विदेश में, विदेशी बैंक को मजबूत करने के लिए भारतीय बैंकों को बट्टा बिठा दिया गया। दूसरी चीज, अपने ही देश की सीमा के अंदर शत्रुओं की प्रोजेक्ट। और तीसरा, क्या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऐसी एडवाइजरी जारी करता है जो कि राष्ट्रद्रोही है?